बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालक के खिलाफ कार्रवाई की। गोबरवाही निवासी रवि चंद्रकांत कौरे उम्र 31 वर्ष दोपहिया वाहन से जा रहा था। गोबरवाही पुलिस ने उसे रोककर जांच की तो शराब के नशे में था। गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खेत में बुआई कार्य का निरीक्षण करने गए वृद्ध की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह घटना 28 जुलाई को दोपहर 3 बजे के बीच की है। मृतक का नाम धाबे टेकड़ी निवासी युवराज पकाराम मेश्राम उम्र 67 वर्ष है। तेज रफ्तार ट्रक ने साइड से गुजर रही कार को टक्कर मार दी जिससे 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। यह घटना कादा के जूना टोल नाका पर हुई। कादा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। अर्जुनी मोरगा पुलिस थाना अंतर्गत दोपहिया वाहन पर शराब ले जा रहे 2 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया और उनके पास से शराब और मोटरसाइकिल समेत 16,400 रुपए का माल जब्त किया। अर्जुनी मोरगा थाना अंतर्गत चापटी निवासी फरियादी गजानंद मंगरू पुस्तोड़े उम्र 78 वर्ष के खेत से किसी अज्ञात चोर ने सुना मौका पाकर 9 सोलर प्लेट में से 8 सोलर प्लेट को चोरी कर लिया जिसकी कीमत 12,000 रुपए बताई गई है। पुराने विवाद में पुलिस ने शिकायत करने की बात को लेकर श्रीनगर निवासी आरोपी राहुल भरत जसवानी उम्र 22 वर्ष ने कुम्भारे नगर निवासी फरियादी मुरली राजकुमार गुप्ता उम्र 23 वर्ष के साथ गाली गलौज कर उसे जख्मी कर दिया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। खेत पर रुपाई कर खेत तालाब में पैर धोने के लिए गए बुजुर्ग किसान का पैर फिसला और वह पानी में गिर गया। खेत तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। 28 जुलाई को धाबे टेकड़ी ग्राम में घटित हुई। मृतक का नाम युवराज बकराम मेश्राम उम्र 67 वर्ष है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।